नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। इमरान खान को सत्ता में आए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन इस नए पाकिस्तान ने जनता को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पिछले साल टमाटर, हरी मिर्च, मटन से लेकर आटा, दाल के दामों ने रोने पर मजबूर कर दिया। अब इस साल यानी कि 2020 में पहले 6 महीने महामारी ने पाक जनता को रोने पर मजबूर किया और अभी भी ये महामारी रुला ही रही है। तो साल जाते जाते पाकिस्तानियों को महंगाई रुलाने लगी है, क्योंकि इमरान खान से देश संभल नहीं रहा और विपक्ष नाक में दम किए हुए है और अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि डॉलर के मुकाबले पाक रुपया काफी नीचे जा चुका है। इसी वजह से साग सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और पाक जनता भूखों मरने लगी है। दो रोटी को तरस रही जनता पर अदरक ने हमला कर दिया है और पाकिस्तान की मंडियों में अदरक के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में अदरक का दाम 1000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है और इसका भंडाफोड़ किया इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने। रहम खान ने ट्विटर पर वीडियो ट्वीट कर बताया कि रावलपिंडी में अदरक 1000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, शिमला मिर्च की कीमत 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अदरक की बड़ी कीमतों से लोग कितने परेशान हैं। लेकिन इमरान खान ऐश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पिछले महीने इमरान खान ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और कहा कि जो चीनी 105 रुपए बिक रही थी वो अब 81 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। लेकिन खान अपना मुंह सब्जियों को लेकर बंद रख रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कश्मीर में मुसलमान पर अत्याचार दिखाई देता है और जब विश्व मीडिया पूछती है कि उइगर पर चीन जुल्म के इंतहा पार कर चुका है, इस पर आप क्या कहते हैं, तपाक से इमरान खान कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उइगर पर बोले तो पाकिस्तान का नया आका चीन नाराज हो जाएगा और सारा राशन पानी बंद कर देगा, जिससे पाक जनता मरने लगेगी। यही नहीं, पाकिस्तान में गेहूं के दाम भी भाग रहे हैं और आज की तारीख में गेहूं के दाम 60 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। पाक आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो ये महंगाई इसलिए है कि इमरान खान भारत के साथ अकड़ दिखा रहे हैं और सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर चुके हैं, क्योंकि जब हालात ठीक थे तो वाघा बॉर्डर से रोजाना 300 ट्रक खाद्य पदार्थों के आते थे, लेकिन अब कुछ नहीं आता और उसी का नतीजा है कि पाक जनता मर रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि उनको झूठ बोलकर भारत से ही लड़ना है और आतंकवाद से भारत को परेशान करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की झूठी अकड़ ने कैसे जनता को मार दिया है और इमरान खान मस्त है।